12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। जहां प्राइवेट स्कूल के बच्चे ट्यूशन और कोचिंग क्लास लगा के अच्छे मार्क लाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ स्कूल और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही काम किया है स्वालंबी विद्यालय के बच्चों ने। मोहम्मद इमरान अब्दुल मन्ना, नंदनी त्र्यंबक वाघमारे, रोशनी सतीश पुष्पाकर, इन बच्चों ने अपने स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। स्कूल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक हासिल करने वाले ये बच्चे गरीब परिवार से है, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि लगन और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उनकी हौसला अफजाई करने के लिए स्वालंबी विद्यालय के सर और टीचर गजानन बुडुकले, नंद किशोर ठाकरे सर, हरीश शर्मा सर, दुर्गा ठाकुर मैडम, महेश पांडे सर, ये सभी बच्चों के घर पे पहुँच के उनका अभिनंदन किया तथा उन्हें मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा किया। और बच्चों ने वहीं अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर के बाद स्कूल टीचर और अपने माँ बाप को दिया। वहीं रोशनी पुष्पाकर के पिताजी आम नागरिक यानी दूध वाले हैं और अपना दूध का व्यवसाय कर घर का पालन पोषण करते हैं। घर में दादी, बड़े पिताजी, माताजी और घर का भरा पूरा परिवार का वो अकेले ही भरण पोषण करते हैं। उसके बावजूद बेटी ने घर की पढ़ाई कर घर का नाम और पिताजी का नाम को रोशन किया, अपने स्कूल का नाम को रोशन किया। कमेंट करके बताएं कि गरीब परिवार बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई का खर्च क्या सरकार ने उठाना चाहिए।